नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, जीवन में जब कभी रिश्तों की डोर कच्ची पड़ जाती है तो रिश्तों में कहीं ना कहीं वो मजबूती जो होती है वो टूट जाती है, डिस्प्यूट्स आने खड़े हो जाते हैं। आप ही लोगों की फरमाइश के ऊपर आज हम पल्लवीजी के साथ बहुत ही खास विषय पर बातचीत करने वाले हैं, जो समाज के सभी स्तर के लोगों के लिए विशेष विषय है। आज हम पल्लवीजी से बातचीत करेंगे रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स एंड वास्तु। ये तमाम पहलू जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर रिश्ते मजबूत हैं तो जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। यदि रिश्ते कमजोर हो, उनमें डिस्प्यूट हो, तो रिश्ते बिखर जाते हैं। आइए सबसे पहले हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवीजी का स्वागत करते हैं। पल्लवीजी, वास्तु में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, शुक्रिया। हमारा आज का जो विषय है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास विषय, रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स एंड वास्तु, क्या कहेंगे उसके बारे में? बहुत अच्छा विषय है। जैसे ही आपने इस सब्जेक्ट को चूज किया, उसके बारे में बातचीत करने का डिसाइड किया, उसके साथ ही मेरे दिमाग में कुछ बातें याद आनी शुरू हो गई। मैं काफ़ी टाइम से 1989 से अपने सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और हम लोग यहाँ से ऑल ओवर वर्ल्ड यानी कि ग्लोबली कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी सारे लोगों से मिलना होता है, नए नए लोग होते हैं, नए नए फैमिली परिवार, अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह के रिलीजन और बिजनेस के लिए अलग अलग तरह के सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं। लेकिन कई बार कुछ बातें बहुत ही कॉमन सुनने को मिलती है। उसमें से दो तीन बातें हैं, आपने भी अपनी लाइफ में अपने परिवारजनों से सुनी होगी। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि पल्लवी, मैं अपने परिवार के लिए कितना भी करूं, मैं अपने बीवी बच्चों के लिए कितना भी करूं, मेरे हाथ में यश रेखा नहीं है, मुझे कभी कोई जश नहीं मिलता है, मुझे कभी कोई अप्रिसिएशन अपने रिलेशनशिप में परिवार से नहीं मिलता है। काफ़ी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरा तो सिर्फ लाइफ का मोटिव, मतलब मेरा सिर्फ लाइफ इसलिए है कि बस लोगों के लिए करूं और उसके बाद किसी को मेरी कोई कदर नहीं होती है। हस्बैंड वाइफ के बीच में ये बातें सुनने को मिलती है। परिवार के साथ जब आप फैमिली मेंबर्स के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ कई बार कोई काम करते हो, रिश्ते निभाते हो, तो वहाँ पर भी आदमी को कई बार इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती है कि मेरा अप्रिसिएशन नहीं है, मेरी कोई कदर नहीं है किसी को। बिजनेस रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है कि हम अपने घर परिवार या किसी के साथ पार्टनरशिप सालों साल से करते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसा होता है कि कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे को कोई किसी के साथ बस कितना भी मैं कर लूँ, मेरे से लोगों ने इतने पैसे बनाए, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी किसी को कदर नहीं है। तो ये कदर करने का मतलब क्या होता है? अप्रिसिएशन में जो आदमी आपको सहायता करता है उसका फॉल्ट है कि सामने उससे लेने वाली हेल्प और फेवर जो लोग लेकर चले जाते हैं, मुकर जाते हैं, उसका फॉल्ट है? वास्तु शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी में ये सारी तमाम जो बातें हैं उस किस तरह से देखी जाती है, उसके उपाय क्या है, एंड पर्सनल सोशल एंड बिजनेस डिस्प्यूट जो रिलेशनशिप में बनते हैं उसमें घर का या बिजनेस का वास्तु किस तरह से रोल करता है, आप उसके लिए छोटी छोटी टिप्स के थ्रू अपने आप को ज़्यादा कमज़ोर ना महसूस करते हुए, बहुत ही ज़्यादा लोनली ना फील कर सको, उसके लिए आप छोटी छोटी वास्तु की टिप्स की भी आप अपने घर और बिजनेस में सहायता ले सकते हो। तो रिलेशनशिप डिस्प्यूट के बारे में वास्तु शास्त्र में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि जो लोग सच में इस तरह के प्रॉब्लम से परेशान है उनको इस प्रोग्राम से काफ़ी जानकारी मिलेगी। ये बात सच है कि कई लोगों को ये कहते सुना है कि यश नहीं मिलता, उनकी बात से लोग लाभ ज़रूर उठाते हैं लेकिन उनको जो एक रिस्पेक्ट या जो कद्र उनकी होनी चाहिए वो होती नहीं है। और ऐसा नहीं कि वो उनके साथ अचानक हुआ, कई लोगों के साथ निरंतर ये परिस्थिति बनी रहती है और फिर वो चाहे घर का बड़ा हो या घर का मुख्य सदस्य हो या मेल हो या फीमेल हो, या अक्सर लोगों को सुना है कहते हुए। इस बात का अब ये भी समझना ज़रूरी है कि वास्तु के साथ किस तरह से संबंध है और इसमें वास्तु किस तरह से मदद कर सकता है इस परिस्थिति को बदलने में, थोड़ा उसके बारे में गाइड कीजिए। जैसे वास्तु शास्त्र में कुछ खास तरह की दिशाएं रिलेशनशिप के साथ जुड़ी हुई होती है,
रिलेशनशिप इंसानों के बहुत तरह के होते हैं, पर्सनल, सोशल और बिजनेस। हम ये तीनों रिलेशनशिप को ब्रेक डाउन करके अलग अलग तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके जीवन में ऐसी कोई भी समस्या है, अगर आपके मन में, दिलो दिमाग में ऐसी कोई फीलिंग है जिससे आपको लगता है कि आप बहुत ही अकेले हो और आपने जितना भी किया है अपने घर परिवार के लिए लेकिन कोई आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी चीज़ों को महसूस नहीं करता, आपको अप्रिसिएशन नहीं देता है, तो पहले बात करते हैं घर परिवार से। चाहे रिश्ता पति पत्नी का हो, चाहे अपने परिवारजनों के साथ हो, लेकिन अभी हम एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में बात नहीं करें। आपकी अपनी खास फैमिली, जो आपके अपने प्रियजन है, जो आपके नज़दीक है, जो चाहे आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो सकता है, ब्रदर सिस्टर का रिश्ता हो सकता है, लेकिन वेरी क्लोज फैमिली, यानी कि इस तरह के रिश्ते में जब कभी किसी को ऐसा फील होता है कि मेरा परिवार ही मुझसे दूर है, या मेरे परिवार के लिए मैं सिर्फ पैसे कमाता हूँ, या मैं अपने परिवार के लिए, घर में फीमेल को फीलिंग होती है कितना कुछ करती हूँ लेकिन मेरे मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे मेरी कदर नहीं करते, ऐसा तो आपने अपनी जिंदगी में बहुत कॉमन देखा होगा। बिल्कुल, जब हम किसी प्रोग्राम को सुनते हैं तो हमें लगता है कि किस तरह से ये लोग अपनी बात बताते हैं, लेकिन क्वेश्चन के साथ अगर आप अपने आप को रिलेटेड करते हो, अगर आप उसके साथ जुड़ते हो और आपको ये चीज महसूस होती है, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि कभी कोई परिवार या कभी कोई सिचुएशन या आपके आसपास के रिश्ते आपको अकेला नहीं करते हैं। रिश्ता इंसान के साथ हमेशा उसके सपोर्ट के लिए खड़ा होता है। हर चीज़ वहाँ से शुरू होती है कि आपका एंगल, आपका विजन और आप किस तरह से बातों को लेते हो, आप किस तरह से उस परिस्थिति को एक्सेप्ट करते हो। सारी सिचुएशन अपने परिवारजनों के साथ आप रिश्ता जिस तरह से बनाते हो, बिगाड़ते हो, रिश्तों को जिस तरह से समझते हो, वहाँ से शुरुआत होती है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऐसा माना जाता है कि राहु जो होता है वो रिश्तों को बनाता है, रिश्तों को खराब करता है। केतु जो होता है वो आपको अपने घर परिवार के रिश्तों से इतनी हद तक उठा के बाहर फेंक देता है जिसकी वजह से आपके परिवारजनों के अलावा अपने घर परिवार के साथ काम किया, पति पत्नी के नाम पे बिजनेस किया, लेकिन आपने काफ़ी बार सुना होगा कि वाइफ ने डिवोर्स किया और आपकी आधी से ज़्यादा संपत्ति चली गई, हस्बैंड ने डिवोर्स किया और आप कंप्लीटली रोड पे आ गए और आपके बच्चे वगैरह आपके सबसे रूठ गए और आपके पास कोई आमदनी नहीं है तो आप अकेले हो गए। इस तरह की चीज़ें लाइफ में बहुत बार देखने को मिलती है, लाइफ पार्टनर कोई भी हो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि ब्रदर सिस्टर ने साथ में बिजनेस किया और रिश्तों में बहुत डिस्प्यूट हो गई और पेरेंट्स भी परेशान हैं और रिश्ते भी परेशान हैं। काफ़ी सारे क्लाइंट ऐसे भी मिलते हैं, मेरे को आपसे बात करते हुए याद आ रहा है कि मेरे मैरीलैंड में एक क्लाइंट थे, उनके दो भाई थे, यहाँ पे उनके काफ़ी फैले हुए फूड इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बहुत सक्सेसफुल थे, इतने पैसे थे उनके पास, लेकिन उनके पिताजी, जो उनका बड़ा भाई इंडिया में रहता था, वो बहुत ही थोड़ा सा US के मुकाबले में उनके बड़े भाई की पोजिशन छोटे भाई के मुकाबले में, मतलब छोटा भाई ज़्यादा अच्छा पैसा बनाता था, बड़े भाई उसके मुकाबले में थोड़े से कमज़ोर थे, तो फादर ने अपनी संपत्ति, अपना व्हील, अपनी सारी चीज़ें उनके नाम पर कर दी। इनकी कंप्लेन शुरू हो गई कि पिताजी के लिए तो सब एक बराबर होने चाहिए, बस मैं कोर्ट में केस फाइल करता हूँ। ऐसा आपने सुना होगा अपने जीवन में। वास्तु शास्त्र के अनुसार जब कंसल्टेशन होती है तो आप जिस तरह के रिश्तों के, कोई भी तरह की चीज़ों के साथ अगर आपको इस तरह की फीलिंग होती है कि मेरे रिश्ते मेरे साथ नहीं, मेरे लोग मेरे साथ नहीं है, तो आपके घर का वास्तु अपने आप ही बताता है, जिसके लिए आपको खुल के बोलने की कंसल्टेंट को ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब कभी हम किसी भी घर को विजिट करते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि घर का जो एक्सेस होता है, प्रॉपर्टी में आने जाने का रास्ता होता है, वो कहाँ से होता है। वास्तु के हिसाब से अगर आप इस तरह के घर में चले गए हो जो आपका खुद का हो, चाहे वो आपका रेंटल हो, टेम्पररी घर हो, परमानेंट हो, प्राइमरी होम हो, लेकिन जहाँ पे भी आप रहते हो, उस प्रॉपर्टी के अंदर दो तीन बातें आपको रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा विचलित कर देती है, बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। और वहाँ पे रहने वाला घर का जो मुखिया होता है, मेल हो या फीमेल हो, लेकिन जो ब्रेडविनर होता है, उसको कॉन्स्टेंटली दिलो दिमाग में गलत फहमी पैदा हो जाती है कि मेरे साथ कोई नहीं है। तो सबसे पहला मैं वास्तुदोष आपको बताने की कोशिश करूंगी कि अगर आपके घर में साउथ वेस्ट दिशा में किचन पड़ता है और जब कभी आप कुकिंग करते हो, खाना बनाते वक्त भी आपका चेहरा जो है वो गैस स्टोव, कुक टॉप की पोजीशन टूवर्ड साउथ वेस्ट है, यानी कि साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, अगर इस कंडीशन के अंदर किसी घर की रचना बनी हुई है और ऐसी प्रॉपर्टी में किराए की हो या खुद की हो, वो 2 साल से ज़्यादा रहता है, 2 साल पहले आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी जी,
2 साल से वो अगर आदमी ज्यादा रहता है तो सबसे पहले उस छत के नीचे रहने वाले तमाम लोगों से उसके रिश्तों में एक मनमुटाव पैदा हो जाता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा हो जाता है। 4 और 6 साल से ज्यादा रहता है तो अपने परिवार के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, माता पिता ब्रदर सिस्टर अपने खुद के बच्चे, सबके ऊपर उसके लिए कोई ना कोई परेशानी हो जाती है। हर एक के लिए उसके दिलो दिमाग में एक तरह की नाराजगी पैदा हो जाती है हर रिश्ते के साथ। कई बार आपको ये सोचना है कि आप एक घर परिवार के साथ हो, आपको अपने माता पिता से भी प्रॉब्लम्स है, अपनी बीवी से भी प्रॉब्लम्स है, अपने पति से भी प्रॉब्लम्स है, अपने बच्चों से भी प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे तमाम लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अपने घर के वास्तु को देखो और साथ में किसी से नाराज होने के बजाय अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करो कि अगर आपके सारे रिश्ते बहुत ज्यादा मनमुटाव है, सारे रिश्ते आपके डामाडोल है, बिल्कुल विपरीत है आपसे, तो कहीं ना कहीं उसमें आपका भी बहुत ज्यादा रोल होता है। आपसे भी कोई इस तरह की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, आप हर रिश्ते से ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हुए हो, आप इमोशनल ज्यादा हो, आप हर चीज में चाहते हो कि कोई आपकी हमेशा तारीफ करे या आपको हमेशा रिवॉर्ड दे, हमेशा अप्रिसिएशन करे। तो कई बार एक्सपेक्टेशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र के हिसाब से साउथ वेस्ट की किचन, जहां पे भी आग साउथ वेस्ट दिशा में चलती है, वो आपके व्यक्तिगत रिलेशनशिप को मैस्टअप कर देता है। और साउथ वेस्ट की गराज पोजिशन या साउथ वेस्ट के घर का मुख्य द्वार, ये 3 चीज जो होती है वो आपसी यानी कि पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर एक तनावपूर्ण व्यवस्था कर देती है। और वहां पे रहने वाले घर के लोगों को अगर 2 साल का वक्त वहां पे अगर आपने पसार किया, मतलब पास किया है, आप 2 साल से ज्यादा उस प्रॉपर्टी में रह रहे हो, तो आपकी ऐसी फीलिंग बन जाती है कि आप अकेले हो और आपके साथ कोई नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार पल्लव जी से आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी, बहुत जल्द हाजिर होंगे। स्वागत आप सबका एक बार फिर से, आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और मैं हूं विकास नांगिया। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। ब्रेक से पहले हमारे विषय पर चर्चा करते हुए आपने वास्तुदोष का जब जिक्र किया तो आपने दक्षिण दिशा साउथ वेस्ट का जिक्र किया कि किस तरह से यदि वहाँ का उस दिशा में किचन है या आप उस दिशा में फेस करते हुए कुकिंग करते हो तो 2 साल के उपरांत जो है उसके इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं और रिलेशनशिप्स में फीकापन आ जाता है, दरारें आ जाती हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। और मैं ये भी समझता हूँ कि कई बार आपने इस बात का जिक्र किया है कि ज़रूरी नहीं कि वास्तु के बारे में जब लोग सुनते हैं समझते हैं तो पहला जो उनके मन में वहम होता है कि भई आपको तोड़फोड़ करनी होगी तभी इसका निवारण होगा। दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम निवारण की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, तो क्या गाइड करेंगे? वास्तु के हिसाब से जो अलग अलग तरह के रिलेशनशिप डिस्प्यूट के बारे में आज हम बात करें, सबसे पहले हम उससे रिलेटेड वास्तु दोष यानी कि प्रॉपर्टी के वास्तु दोष और प्रॉपर्टी में रही हुई कमियां और वास्तुशास्त्र के नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे आपने अभी अभी कहा कि हमारी सारे उपाय, हमारी सारी रेमेडी, हमारे सारे सजेशन अमेरिका या किसी भी कंट्री में, इवन इंडिया तक के अंदर सारे बिना तोड़फोड़ होते हैं और वही हमारा स्पेशलाइजेशन है। तो ठीक उसी तरीके से मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूंगी कि आपके घर में कोई भी तरह का वास्तु दोष किचन के साथ हो, मेन डोर के साथ हो या गराज के साउथ वेस्ट दिशा के साथ हो, जहाँ पे भी कोई भी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, हर प्रॉपर्टी के सवाल के जवाब उसी प्रॉपर्टी पे जाके आपको मिल जाते हैं। तो कई बार जिस तरह की सिचुएशन होती है, मान लेते हैं कि अगर आपका सिंगल फैमिली होम है और उसके फ्रंट यार्ड में या उसके गराज के पोजिशन के आसपास स्ट्रक्चरल लेआउट के माध्यम से, लैंडस्केपिंग के माध्यम से आप इस तरह की रेमेडी को अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर रिलेशनशिप के लिए सबसे पावरफुल होती है कलर्स रेमेडी, प्रोडक्ट्स रेमेडी एंड बहुत ही तीसरे लेवल पे आती है लैंडस्केपिंग रेमेडी
या फिर उस स्ट्रक्चर के लेआउट के अंदर आप लैंडस्केपिंग की हेल्प लेके उसको फिक्स कर सकते हो। लेकिन कलर रेमेडी और प्रोडक्ट्स रेमेडी जो सबसे पहले उपाय होते हैं वो कलर थेरेपी इस तरह के रिलेशनशिप डिस्प्यूट में ज्यादा पावरफुल इफेक्ट देती है। हम वन बाय वन प्रॉब्लम से रिलेटेड पहले वास्तुदोष को समझने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ हर तरह के पर्सनल सोशल बिजनेस रिलेशनशिप की रेमेडी एक साथ में आपको बताने की कोशिश करूंगी। जहां जिसको जरूरी लगता है उस तरह की रेमेडी वो अपने घर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कॉमन इंफॉर्मेशन रेमेडी की यहां पे देने की कोशिश है। बहुत बार रिलेशनशिप डिस्प्यूट व्यक्तिगत तौर पे यानी कि इंडिविजुअल जिसके साथ आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है, कभी कई बार आप लीगल डिस्प्यूट में भी अपने घर परिवार के साथ चले जाते हो, तो इस तरह के माहौल में भी वास्तु जो है वो आपको काफी हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन वहां पे उस कंडीशन में आपको अगर झगड़ा, अगर लड़ाई झगड़े, नाराजगी एक हद से बाहर चली गई है, आपके हाथ से बाहर चली गई है, घर परिवार में आप इस रिलेशनशिप को, अपने आपके डिस्प्यूट को आप रोक नहीं पाए हो और लीगल प्रॉब्लम तक चले गए हो, तो वहां पे बात कुछ हद तक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन के थ्रू ज्यादा लाभदायक होती है। यहाँ अगर हम सॉल्यूशन के बारे में जिस तरह से चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, और बिना तोड़फोड़ के ऊपर आपने तवज्जो भी दिया कि जरूरी नहीं कि आपको वो सब करना पड़े, क्या क्या सॉल्यूशंस और पल्लवी जी आपको लगता है कि किए जा सकते हैं जिससे, अब देखिए ये परिस्थिति जो है रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों जगह हो सकती है, जैसे कि आपने पहले सेगमेंट में कहा था कि पर्सनल, बिजनेस और सोशल तीन एस्पेक्ट्स हैं जहां पर ये परिस्थितियां आती हैं। और बिजनेस से मतलब करियर की अगर हम बात करें, हो सकता है कि कोई नौकरी में हो, कोई बिजनेस में हो, तो वहां पर भी इस तरह के एक जो रिश्ता बनता है अपने क्लाइंट्स के साथ, वहां डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। इन तीनों चीजों को अगर हम ब्रेकअप करके चलते हैं, पर्सनल को, प्रोफेशनल को और सोशल को, अगर हम तीनों को ब्रेकअप करके चलते हैं, तो किस तरह से इनको बेहतर किया जा सकता है? बिकॉज़ ये बिजनेस रिलेशनशिप के डिस्प्यूट के बारे में बात करने से पहले मैं आपके साथ एक अपना केस स्टडी, बहुत ही रोमांटिक भी, मतलब ये कह सकती हो कि उसको सुन के आपको कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि लोग परेशान होते हैं, लेकिन वो कई बार फन का विषय हो जाती है और ऐसा लगता है कि इस तरह से आदमी सोचता कैसे है। मैं जर्सी में कुछ दिनों पहले कंसल्टेशन कर रही थी, वो जो मेरे क्लाइंट थे वो आर्किटेक्चर थे और साथ में जब इंडिया में से यहाँ पे यूएस में मूव हुए तब उन्होंने थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी की स्टडी की थी। तो अपने आसपास में अपने दोस्त वगैरह थे, अपना जो सर्कल था उसके अंदर बिना मतलब प्रैक्टिस करने के लिए एस्ट्रोलॉजिकल सलाह देते रहते थे। तो उनकी पहचान ऐसी थी कि वो ज्योतिष देखते थे, एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस करते थे। फिर धीरे धीरे उसमें से उन्होंने थोड़ी बहुत वास्तु के हिसाब से गूगल की इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी। तो कई बार वो ऐसे ही अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में वास्तु के बारे में सलाह देते रहते थे। अभी इस कंडीशन के अंदर उनका प्रोफेशन कंस्ट्रक्शन का था और इस तरह की दो तरह के एडवाइस के साथ वो जुड़े थे, ऐसे लाइक मिक्स पर्सनालिटी थे। जब उन्होंने डिसाइड किया कि कंसल्टेशन करना है, तब हमें लगा कि कंस्ट्रक्शन यानी कि आर्किटेक्ट के साथ जुड़े हुए आदमी के साथ हमारा कंसल्टेशन हो रहा है। लेकिन बातों बातों में उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बताई कि पल्लवी, मैं एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से समझता हूँ, मुझे वास्तु बहुत अच्छे से आता है और मेरी इतने सालों की प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि मैंने काफी एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट की कंसल्टेशन दी है, उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड की है। तो फिर उनके साथ थोड़ा मजा ज्यादा आता है, थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ता है कि चलो जो पर्सन है वो अपने सब्जेक्ट से थोड़े बहुत फैमिलियर है। लेकिन कई बार जब मल्टीटास्क पर्सनालिटी होती है, जो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, उनका फोकस एक विषय पे टिक नहीं पाता है, तो उनके साथ जब कंसल्टिंग करते हैं तो ऐसा भी होता है कि उनको वास्तु की बातें हमसे ज्यादा डिटेल में और बहुत डिफरेंट तरीके से मिलती है, क्योंकि वो कॉमन इन्फॉर्मेशन के आसपास घूमते हैं। तो वो वाले क्लाइंट ने मेरे को एक बहुत अच्छी बात बताई, उन्होंने कहा कि पल्लवी, मेरे हाथ में यश की रेखा ही नहीं है। मैं किसी को ज्योतिष के बारे में अपने दोस्त में सबको बताता हूँ तो उनको फायदा होता है, मुझे नहीं होता है। तो मैंने कहा कि चलो आप ये बताओ कि आप क्या बताते हो ज्योतिष के बारे में। बोले कि मेरे किसी भी क्लाइंट को कहीं पे भी कोई गैम्बलिंग करनी हो, कुछ हो, तो मैं उसको नंबर निकाल के देता हूँ और उसको पैसे मिल जाते हैं। मैंने कहा ये क्या ज्योतिष हुआ। फिर बोलते हैं कि मेरे को कभी किसी को लॉटरी का टिकट लेना है तो वो मेरे को फोन करता है, मैं सलाह देता हूँ। शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है तो मैं सलाह देता हूँ, उसको फायदा होता है। तो अभी तक मेरी सलाह से काफी सारे लोगों ने बहुत पैसे बनाए, लेकिन वही चीज मैं अपने आप के लिए करता हूँ तो आगे नहीं बढ़ती है। फिर उन्होंने एक कंप्लेन ये भी कर दी कि मैं अपना घर जब ले रहा था तो मेरे को वास्तु के बारे में इतना अच्छा नॉलेज था,
तो मैंने अपना घर नॉर्थ फेसिंग लिया। लेकिन बाद में आप लोगों का प्रोग्राम देख के विकास जी, ये भी मैं बताऊं कि वो वास्तु लिविंग का शो भी देखते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि उसका प्रोग्राम देख के मेरे को पता चला कि मैग्नेटिक कंपास के थ्रू मैं नॉर्थ लेने गया था लेकिन मेरा घर साउथ का बन गया, क्योंकि जब मैं घर में दाखिल हुआ और जब मैंने सामने देखा तो नॉर्थ था, यही समझ के मैंने लिया। क्योंकि इंडिया में यही कहते हैं कि घर में एंटर करने के बाद अपोजिट में जो दिशा दिखती है वो दिशा का फेसिंग होना चाहिए। बट अभी यहाँ पे आने के बाद आप लोगों की बातें सुन के मुझे लगा कि मेरा घर तो साउथ का है, फिर मैंने सूरत से देखा तो मुझे पता चल गया कि मेरे से घर लेने में गलती हो गई। तो मैंने कहा कि अगर आपको ये भी पता चल गया कि घर लेने में गलती हो गई तो फिर आपने चेंज क्यों नहीं किया? तो कह रहे थे कि मैं जितनी बार घर बदलने की कोशिश करता हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है, मेरी जॉब में इश्यू हो जाती है जिससे मैं डर जाता हूँ और मैंने जॉब चेंज करना छोड़ दिया। तो मैंने कहा फिर आप साउथ को मैनेज कैसे करते हो? तो उन्होंने वहां पे एक हनुमान जी की तस्वीर लगा रखी थी, छोटी मोटी जो उनको समझ में आती थी इस तरह की चीजें की थी। लेकिन रिलेशनशिप इतने वर्स्ट हो गए, जहाँ पे वो काम करते थे जिस कंपनी के साथ वो जुड़े हुए थे वहां पे उनके बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे, सारे कलीग उनके साथ काम करने वाली पूरी टीम उनके अगेंस्ट थी और उनको अप्रिसिएशन नहीं था जिसकी वजह से वो उस कंपनी में कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। तो बातों बातों में जब कंसल्टेशन हुआ तो मैंने देखा कि उनको अपनी जो जिज्ञासा थी विषय के प्रति, ज्योतिष के प्रति, वास्तु के प्रति, तो उसका नुकसान ये होता था कि हर किसी आदमी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इसी चीज का उपयोग करके वो दोस्ती करने की कोशिश करते थे और लोगों ने नहीं पूछा होता फिर भी उनको सलाह देते जिससे लोग उनसे चिढ़ना शुरू हो जाते थे। कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते कहाँ उलझ जाते हैं पता नहीं चलता है। तो पहले तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उनका घर साउथ फेसिंग था, उनका घर साउथ वेस्ट में पड़ता था, उसके साथ साथ उनके घर में जो किचन की व्यवस्था बनी हुई थी वो नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान दिशा में बनी हुई थी, जिनका इनको एहसास ही नहीं था। तो कई बार वास्तु के हिसाब से जब आपके बिजनेस रिलेशनशिप में अगर बहुत ज्यादा नोकझोंक होती है, सारे लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, तो वहां पे आपको दो चीज का वास्तु के हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला ये देखना है कि आपके घर का दरवाजा, आपके घर का गराज डोर और आपके घर की किचन पोजीशन, ये तीनों कंबाइंड रोल करते हैं। और उसी के साथ साथ ये बात इंपॉर्टेंट बन जाती है कि जहाँ पे भी आप अपने घर का काम करते हो, अपने बिजनेस का, यानी कि वर्क फ्रॉम होम हो तो आप अपने घर से कहाँ पे बैठ के अपना बिजनेस का या जॉब का काम कर रहे हो, और अगर आप अपने फिजिकल लोकेशन पे अपनी ऑफिस में जाते हो या अपने वर्क प्लेस पे जाते हो, अपना कोई आपका वहाँ पे डेस्क वगैरह बना हुआ है, तो वहाँ पे आपका फेसिंग यानी कि कौन सी दिशा में उठना बैठना है, ये सिर्फ तीन चीजें छोटी छोटी है। अगर आप बिजनेस के ओनर हो और आप जॉब नहीं कर रहे हो लेकिन बिजनेस आपके खुद का है, तो इस कंडीशन में रहने वाले तमाम लोगों को अपने घर का मुख्य दरवाजा, अपना गराज डोर, अपने किचन पोजीशन के साथ साथ अपने बिजनेस का एंट्रेंस डोर, अपने बिजनेस के अंदर जहां से भी उस प्रॉपर्टी के अंदर वो कभी कभी जाते हो, रैंडम जाते हो, और जिस तरह का दरवाजा वहां पे वो यूज करते हैं, काफी होटल मोटल में ऐसा होता है कि मोटल के अंदर एक से ज्यादा एंट्रेंस होते हैं तभी उसको मोटल कहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ऑनर जो होता है वो अपने आने जाने के लिए कभी कभी जाता हो तभी भी कुछ डिफरेंट यूज करता है गेट को, और एक्चुअली जो एंट्रेंस होती है वो किसी और दिशा में होती है। काफी लोग मोटल के अंदर रहते हैं तो उनके घर का दरवाजा कहीं और होता है और उनकी अपनी खुद की बिजनेस की एंट्री कुछ और होती है। तो ये तमाम कंडीशन के अंदर बिजनेस डिस्प्यूट के साथ जुड़े हुए लोगों को ये देखना है कि उनकी घर की एंट्री और उनकी बिजनेस एंट्री को उनको मिलाना है, और ये बात ध्यान में रखनी है कि उसमें सिमिलर तरह की दिशाएं ना हो। जैसे साउथ एक डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट उसकी सब कार्डिनल दिशा है। अगर आपका घर साउथ का है और बिजनेस की एंट्री साउथ ईस्ट है, आपका घर साउथ ईस्ट का है बिजनेस की एंट्री साउथ की है, आपका अगर साउथ का है और आपकी बिजनेस एक से ज्यादा है, जो मल्टीपल बिजनेसेस और उसमें साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की एंट्री है, ऐसी तमाम कंडीशन में बिजनेस लोकेशन के अंदर साउथ वेस्ट कॉर्नर बिल्कुल ही झुका हुआ हो, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी के साउथ वेस्ट में कोई भी तरह का स्विमिंग पूल हो, रोड लेवल से अगर आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डाउन जाती हो यानी कि झुकी हुई हो, आपको अपनी बिल्डिंग में जाने से पहले दो स्टेप डाउन करके आपको अपनी प्रॉपर्टी के फ्रंट डेस्क के अंदर या आपकी प्रॉपर्टी के अंदर आपको एंटर करना पड़ता हो, जहां पे भी साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट दिशा झुकी है, रोड लेवल से आपकी प्रॉपर्टी का झुकाव यानी कि स्लोप डाउन हो, ऐसी तमाम कंडीशन में रहने वाले बिजनेस के पार्टनरशिप के डिस्प्यूट, बिजनेस के साथ एक साथ काम करने वाले लोग, और अगर आप जॉब करते हो, आप अपना काम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो लेकिन जहां से बैठ के आप अपने बिजनेस और अपने काम के लिए जहां से डिसीजन ले रहे हो, किसी वजह से घर की भी व्यवस्था ऐसी है कि एक स्टेप आपको डाउन जाके आपको अपनी ऑफिस में जाना है, आप अपने घर से काम करते हो बेसमेंट में बैठ के आप अपना काम कर रहे हो,
आपका खुद का घर रोड लेवल से डाउन हो, जहां कहीं रोड लेवल से प्रॉपर्टी डाउन होती है रेसिडेंशियल या कमर्शियल, वहां पे रहकर काम करने वाले तमाम लोगों को 4, 6 और 8 साल के अंदर अपने बिजनेस के तमाम रिलेशनशिप में धीरे 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 करके वो वहां से अपने सारे रिश्ते खत्म कर देते हैं और उस रिश्तों में सिर्फ और सिर्फ नाराजगी और डिस्प्यूट के अलावा कोई बात नहीं बनती है। और ऐसी पार्टनरशिप की टीम, ऐसे काम करने वाले लोग साथ में मिलकर लंबे फ्यूचर के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन जिस एटमॉस्फेयर के साथ वो एवरीडे जुड़े हुए हैं, जहाँ पे वो काम करते हैं, वो एटमॉस्फेयर उनके लिए बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और वो अपना काम जो है वो दिल से और खुशी से कर नहीं पाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। पहले आपसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। वास्तु के हिसाब से अगर आपके घर में पर्सनल, सोशल, बिजनेस, रिलेशनशिप में कोई भी डिस्प्यूट हो, मैं बहुत ही सिंपल टिप्स देना चाहती हूँ। जहां पे भी नाराजगी आपस में पति पत्नी की हो, आपको अपने हस्बैंड वाइफ की तस्वीर जिसमें कोई भी वाटर बॉडी की इमेज ना हो, पानी, वाटर, कोई भी तरह के पानी के रिलेटेड पिक्चर्स, यानी कि ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे कलर के फिनिश लुक ना हो, इस तरह की पिक्चर्स फोटो फ्रेम बना के हस्बैंड एंड वाइफ की फोटो फ्रेम विदाउट वाटर बॉडी कलर्स, विदाउट वाटर बॉडी इमेज आप अपने मास्टर बेडरूम के साउथ वेस्ट दिशा के वेस्ट यानी कि पश्चिम कोर्नर के अंदर लगा सकते हो। साउथ वेस्ट के बारे में जब बात करते हो तो आपको दो वॉल मिलेगी, साउथ वेस्ट टूवर्ड्स साउथ और साउथ वेस्ट टूवर्ड्स वेस्ट। तो आपको 260 डिग्री साउथ वेस्ट की वेस्ट वॉल पे हस्बैंड वाइफ की पिक्चर लगानी है। और उसी के साथ साथ अगर आपका रिश्ता अपने परिवार के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, फैमिली के साथ किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा मन में एक खटास है या नाराजगी है, तो पूरे परिवार की तस्वीर जिसमें सारा परिवार उसमें दिखता हो, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, चाचा, मामा, जितनी भी एक्सटेंडेड फैमिली है, उनकी पिक्चर जो है वो फैमिली रूम की अगेंस्ट साउथ वेस्ट की वेस्ट वॉल पे आपको लगानी है। ये डेफिनेटली आपको कोशिश करना चाहिए, बहुत ही सिंपल रेमेडी है, सिंपल पिक्चर। कुछ दिशाओं की ऐसी पावर होती है कि वो रिश्ते बनाए रखने में आपकी काफ़ी हद तक सहायता करते हैं, और ये फोटो जो पिक्चर्स वो वास्तु टिप्स में आप लगाओगे वो भी आपको उसमें डेफिनेटली हेल्प करेगा। जी, बहुत अच्छी जानकारी। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। पल्लवी जी से सीधा संपर्क करने का सरल आसान तरीका pallavichhalabada.com। और अगले अंक में हम पल्लवी जी के साथ एक और नए दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आइए, पल्लवी जी दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।